हेलो दोस्तों, मैं हूं आरएस और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ पैलेस। क्या आप जानते हैं कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? आपको बता दें कि सिलाई की दुनिया में सबसे अधिक पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, क्योंकि सिलाई मशीन का इतिहास आरोपों, असफल प्रयासों और कुछ गंभीर घोटालों से भरा पड़ा है। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने और कब किया। आपको बता दें कि सिलाई मशीन एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो किसी वस्त्र या अन्य चीज को परस्पर एक धागे या तार से सिलने के काम आती है। इसका आविष्कार प्रथम औद्योगिक क्रांति के समय हुआ। 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और यहाँ कारखानों में मैनुअल सिलाई को कम करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने के प्रयास किए जाने लगे। इसी के चलते किसी ऐसे यंत्र की जरूरत हुई जिससे सिलाई को आसान बनाया जा सके। अगर बात करें सबसे पहले सिलाई मशीन के आविष्कार की, तो उससे पहली बार लंदन इंग्लैंड में काम करने वाले एक जर्मन मैकेनिक चार्ल्स वीसेंथल ने बनाई थी। 1755 में उन्होंने दो नुकीली सुई के साथ कढ़ाई के काम के उद्देश्य से सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। इनकी सुई के मध्य में एक छेद था तथा दोनों सिरे नुकीले थे। इनकी इस मशीन में धागे को कपड़े के माध्यम से आगे और पीछे शटल भी कर सकते थे, लेकिन चार्ल्स ने सिलाई की समस्या को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था। फिर 1790 में अंग्रेजी आविष्कारक थॉमस एंड ने पहली सफल सिलाई मशीन का आविष्कार किया, लेकिन उन्होंने अपने आविष्कार का सफलता पूर्वक विज्ञापन या वर्णन नहीं किया था। आपको बता दें कि इनकी मशीन में मोचे के सुई के भांति एक सुआ कपड़े में छेद करता था और धागे से भरी चरखी धागे को छेद के ऊपर ले आती और कांटेदार सुई इस धागे का फंदा बनाकर नीचे ले जाती, जो नीचे एक हुक में फंस जाता था। कपड़ा आगे सरकता और इसी भांति का दूसरा फंदा नीचे जाकर पहले में फंस जाता है। हुक पहले फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे को पकड़ लेता है। इस प्रकार सिलाई नीचे होती जाती थी। सेंट ने कपड़ों पर हाथ से सिलाई की मात्रा को कम करने के लिए मशीन बनाई थी, हालांकि वे सिलाई को अधिक विश्वसनीय और कामयाब न बना सके। पहली फंक्शनल सिलाई मशीन का आविष्कार 1830 में फ्रांसीसी दर्जी बार्थेलेमी थिमोनियर द्वारा किया गया था, जिसका पेटेंट 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। पहले के समय ये मशीन लकड़ी से बनाई गई थी। थिमोनियर की इस मशीन में केवल एक धागा और एक सुई का उपयोग किया जाता था, जो कढ़ाई के साथ उपयोग की जाने वाली एक ही श्रृंखला में सिलाई बनाती थी। फिर 1845 ईस्वी में उसने उससे बढ़िया मशीन का दूसरा पेटेंट करा लिया और 1848 में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पेटेंट ले लिया। अब इस समय तक उनकी मशीन लोहे की हो चुकी थी। हालांकि 1834 में वाल्टर हंट नामक एक व्यक्ति ने अमेरिका की पहली लेकिन कुछ हद तक ही सफल सिलाई मशीन का आविष्कार कर दिया था। उन्होंने छेद वाली नोक, दोहरा धागा और दोहरी बखिया वाली मशीन बनाई थी। उन्होंने अपनी मशीन के एक घूमने वाले हैंडल के साथ एक गोल छेदीली नोक की सुई लगाई थी। कपड़े में छेद करके नीचे जाती थी वो, और उस फंदे में से एक छोटी सी धागी भरी खर्ची निकल जाती थी। वो फंदा नीचे फंस जाता था और सुई ऊपर आ जाती थी। इस प्रकार दोहरे धागे की दोहरी बखिया का आविष्कार हुआ। हालांकि जब हंट को अपनी सफलता पर पूरा विश्वास हो गया, तो 1853 ईस्वी में पेटेंट के लिए उन्होंने आवेदन पत्र दिया, लेकिन उनको पेटेंट न मिल सका, क्योंकि ये छेदीली नोक वाला पेटेंट इंग्लैंड में न्यूटन एंड आर्किबॉल्ड ने 1841 में दस्ताने सीनी के लिए पहले करा लिया था। और फिर एलायस होव ने भी 1846 में अपनी पहली मशीन बनाकर पेटेंट करा ली। उसकी मशीन में 12 वर्ष पहले आविष्कृत हंट की दोनों बातें, छेदीली नोक तथा दोहरा धागा उपस्थित थी। इसी के चलते एलिस होव को बाद में अपने पेटेंट का बचाव करने और अपने आविष्कार को मार्केटिंग करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि आज के आधुनिक समय में एलायस होव को सिलाई मशीन की खोज का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है। आपको बता दें कि 1850 के दशक तक सिलाई मशीन को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं किया जाता था। फिर इसके बाद इसाक सिंगर ने पहली व्यावसायिक रूप से सफल सिलाई मशीन का आविष्कार किया था, ताकि व्यापार के जरिए वो अच्छा मुनाफा कमा सके। इसाक सिंगर ने अप एंड डाउन गति तंत्र का इस्तेमाल करके सिलाई मशीन का आविष्कार किया था, जहाँ हर मशीन में अभी तक सुई अगल बगल चलती थी, वहीं इनकी मशीन में सुई ऊपर और नीचे चलती थी और एक पैर के चलाने से संचालित होती थी। 1889 में सिंगर द्वारा ही पहली व्यवहारिक इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया था। इनकी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में बेल्ट द्वारा चलने के लिए बैलेंस व्हील आता था, जो एक बिजली की मोटर से जुड़ा हुआ होता था। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में भी सिलाई मशीन आ गई थी। इसमें दो मुख्य थी, अमेरिका की सिंगर तथा इंग्लैंड की पब। स्वतंत्रता के बाद भारत में भी मशीनें बनने लग गई। भारत में 1935 में कोलकाता के एक कारखाने में उषा नाम की पहली सिलाई मशीन बनाई गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।